प्रणाम कल्याण कल्याण लो नमस्ते ये माता रानी के लिए माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें आप सब बिल्कुल सही समय पर आए हैं माता रानी की आरती बस होने ही वाले हैं आप लोग माता रानी का दर्शन करें माता रानी आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे माता रानी इस परिवार पर अपनी कृपा बस ऐसे ही बनाए रखना सबको खुश रखना हमारे बच्चों को हमारे परिवार को हमेशा अपनी शरण में रखना माता रानी हमारा ये परिवार आपके आशीर्वाद से ही है ये परिवार हमेशा खुशहाल रहे सब साथ रहे सब में प्यार बना रहे बस ये आशीर्वाद बनाए रखना पर भाभी ये परिवार तो आपसे ही है सच दी ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है ये परिवार दी से ही है माता रानी इस परिवार को हमेशा मुसीबतों से बचाए रखना तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो आंचल ये परिवार तुम्हारा भी है माता रानी हमारे इस परिवार को मुसीबतों से हमेशा बचाए रखना अवश्य बचाए रखेंगे सच्चे मन से माता रानी के दरबार में जो ही मुराद मांगो माता रानी अवश्य पूर्ण करती है प्यार बनाए रखना माता रानी और मेरा प्यार कौन है ये आप जानती ही हैं तो मेरे प्यार को हमेशा बनाए रखना और मेरे साथ रखना मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना माता रानी आपको पता है ना मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं है और इनके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी बस प्लीज आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना देखा पंडित जी ने खुद बोला कि माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं तो मैं माता रानी से कहूंगा कि वो मुझे अपनी असली माँ से मिलवा दे और हमारी हेल्प करें उनको ढूंढने में नवरात्र के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता रानी के दरबार में अब जो भी मनोकामना करेंगे माता रानी उनकी समस्त इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करेंगी देखा फिर से बोले पंडित जी मैं माता रानी से मांग लूंगा अपनी माँ को ठीक है बेटा पता है ये ना हम सबकी माता रानी तो आप जो भी इनसे मांगोगे ना आपको जरूर मिलेगा ये आपको आपकी माँ से कभी दूर होने ही नहीं देंगी आपको आपकी माँ जरूर मिलेंगी आप भी माता रानी से बोलोगी ना कि वो मुझे अपनी माँ से मिलवा दे हाँ बेटा मैं भी बोलूंगी प्रार्थना करूंगी माता रानी से कि आपको जो चाहिए वो आपको मिले आपकी सारी इच्छाएं पूरी बोलो अम्बे मात की जय आइए आप लोग आरती का समय हो गया रोहन बेटा आप आओ अभी अभी हम ऊपर जाएंगे ना तो आप अच्छे से प्रार्थना करना ठीक है रोहन बेटा मेरे साथ आओ मॉम एक मिनट मैं लक्ष्मण से बात कर रहा था रोहन माँ मैं माता रानी से कहूंगी कि वो मेरे भाई को हमेशा खुश रखे और हम सबको साथ रखे हमेशा बिल्कुल कैन और पता है बच्चे ना माता रानी के सबसे ज्यादा फेवरेट होते हैं तो तुम लोगों की बातें तो वो जरूर सुनेंगे बस जो भी मांगना है ना अच्छे से दिल से मांगना मलिष्का वो मिठाई की थाल पंडित जी को दे दो माता रानी को चढ़ाने के लिए जी मासी अरे पूजा की थाली में सब कुछ है लेकिन ताजे फूल नहीं है एक मिनट लक्ष्मी वो फूलों वाला थाल था ना
तेरे पास है क्या? दादी वो मैं दुकान पे ही भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ बार्टल। अरे आपकी जगह मैं जाता हूँ। अरे तू क्यों जाएगा? मैं जाता हूँ ऋषि भाई, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ ना, तू रहे यहाँ पे। अरे तुम दोनों रुको, वो तो चली भी गई है। आओ दोनों ऊपर। रुको लक्ष्मी, ऐसे तुम नहीं जा। अनुष्का मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है, और तुम कोई अच्छी बात तो करोगी नहीं। एक्सक्यूज मी, इतनी समझ तो है तुम्हें कि समझ जाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि प्लीज आज उस बार में कोई बात नहीं करती। मतलब आज नवरात्रि का पहला दिन है, बहुत शुभ अवसर होता है। मुझे आज के दिन सिर्फ माता रानी की पूजा अर्चना करनी है, सिर्फ उनकी पूजा में अपना ध्यान लगाऊंगी। तो प्लीज आज सारी लड़ाई झगड़े की बातें, बहस की बातें, ये सब रहने देते प्लीज। क्या बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, पूजा अर्चना ध्यान एंड ऑल, लेकिन असली में मन में क्या है ये तो तुम ही जानती हो ना। तुम दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फिश मतलबी और खुदगर्ज इंसान हो, जिसे दूसरों से कोई मतलब नहीं। दूसरा कितना ही परेशान हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है तुम्हें। खुद सुख से चैन से जीना चाहती हो, फिर चाहे दूसरे की नींदें क्यों ना उड़ जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नींदें उड़ा रही दूसरों की? मैं क्या मेरी खुद की नींदें उड़ी हुई हैं? मैं दूसरों की नींदें क्या उड़ाऊंगी? अनुष्का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझ पर क्या बीत रही है, किन हालातों से गुजर रही हूँ मैं, क्या क्या सहना पड़ रहा है ना मुझे, तुम कुछ नहीं जानती। हो रही होली, तुम्हें सहना पड़ रहा है? क्या बात है लक्ष्मी, फिर तो मुझे भी बताओ क्या सह रही हो तुम। सबने सर पे बिठा रखा है तुम्हें, महल जैसे आलीशान घर में रह रही हो, अच्छा खाने को दे रहे हैं, अय्याशी कर रही हो, अच्छे कपड़े पहन रही हो, और तुम सह रही हो। फिर तो मुझे बताओ ना क्या सहना पड़ रहा है तुम्हें। कौन हो तुम मेरी? What? नहीं वो तुम कह रही हो ना कि मैं तुम्हें बताऊं, तो कौन हो तुम मेरी? दोस्त हो मेरी, बहन हो, या आप कोई वेलविशर हो या रिश्तेदार हो, कौन हो तुम जो मैं तुम्हें अपनी बातें बताऊं? मैंने कहा था ना कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या बातें करने आ रही हो, और तुम्हारी बातें अच्छी तो होंगी नहीं। देख लो, मुझे पता था कि तुम यही करने वाली हो, यही कर रही हो तुम, मुझे ये सब नहीं। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मेरे बेटे से दूर रहना। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? इतनी देर से बोल रही हूँ मुझे सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी है, पर नहीं तुम मान ही नहीं रही हो। एक बात नहीं मान सकती, आज नवरात्रि का दिन है, पहला दिन है, कि सारी बातें नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन नहीं तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा, खुद पर बिल्कुल भी काबू ही नहीं है। जैसे एक बार जिद पकड़ ली तो बस वही करना है, लोगों का दिन कैसे बर्बाद करना है तुम्हें अच्छे से आता है ना? लक्ष्मी बिहेव योरसेल्फ। तो क्यों नहीं सुन रही हो जो मैं बोल रही हूँ, वो क्यों नहीं सुन रही हो? जब मैंने मना किया कि इस बारे में बात नहीं करनी है, तभी तुम्हें उसी बारे में बात करनी है। ठीक है, तुमने बात शुरू कर दिया ना, तो करते हैं बात, अब मैं भी जवाब दूंगी। लेकिन जो मैं जवाब दूंगी उस बातचीत से ना बुरा असर मुझ पर तो कम ही पड़ेगा। बोलो क्या बोलना चाहती हो तुम? यही कहना चाहती हो ना कि मैं रोहन से दूर रहूं? हाँ दूर रहो, बहुत दूर रहो, समझी? नहीं रहूंगी मैं रोहन से दूर, नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी दूर नहीं रहूंगी। ऑफ देयर लक्ष्मी, हिम्मत कैसे भी तुम्हारी मुझसे ये बोलने की? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। और रियली तुम माँ हो? हाँ मैं उसकी माँ हूँ, मैं माँ हूँ उसकी।